ये युवा विकास मंडल की जो स्वच्छ गांव योजना है उसके तहत दूसरा सराहनीय कार्य गांव का जो हॉस्पिटल है हमारा सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे नदिया के बालाजी के पास बना हुआ है वहाँ पर ये सफाई का अभियान चला हुआ आज बच्चों के द्वारा जो भी यहाँ मतलब बनाओ के दूर से जो भी घास वास दिखाई दे रहा है उसको सभी बच्चे मन लगा करके काम कर रहे हैं और हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब भी ये हमारे अभियान से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं और ये देखो फूल उपलब्ध करा रहे हैं गाँव के लोग उत्साह से हमारे साथ बच्चों के साथ और हम भी उन्हीं पॉइंटों पर कर रहे हैं हम इसके लिए आ रहे हैं जगह जगह लोगों से मिल करके कि हमारा ग्राउंड जो है हमने तैयार तो कर दिया पर उसको सिक्योर करना अब आप लोगों के हाथ में है और हमारे को साधन उपलब्ध कराना आप सब लोगों के सहयोग की बात है बस आप लोग हमारा सहयोग करिए हम बच्चे आपके लिए जो भी कहेंगे हम बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे इसी मुहिम के साथ ये बच्चे लगे हुए हैं अपने काम को एक निष्ठा से करते हुए आप देख रहे हैं सब बच्चे कितने लगन से एक साथ जुटे हुए हैं काम करते हुए आप देखो इन बच्चों के साथ हमें भी थोड़ा सा इतना सुकून मिलता है कि हमारा गांव की तो साफ़ सफाई चल रही है साथ साथ में इन बच्चों के लिए जो भी हम कर दें वही कम है मैं तो ये सोचता हूँ बाकी आप लोग सब देख ही रहे हैं और इन बच्चों का मदद कीजिए हेल्प कीजिए ये स्कूल का जो प्लेग्राउंड ये मांग रहे हैं हम कोई अलग से नहीं हम अपने स्कूल के पास प्लेग्राउंड नहीं है हम उस स्कूल के ही नाम करने वाले हैं और हम इस मुहिम को चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के हम मंत्री जी से श्री राजकुमार जी से मिलेंगे और हमारी बातें रखेंगे उनके सामने हम सब लोगों का सपोर्ट चाहते हैं जैसे कि आज हम हमारे पुराने सरपंच साहब हैं उनसे भी मिले हैं और उन वो भी हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं कि बच्चों के खेलने का ग्राउंड तो होना ही चाहिए बाकी आप हमारे सरपंच साहब से बात करिए देखो खुद लगे हुए हैं थोड़े बहुत काम से हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब कम से कम इन्होंने हमारे लिए कभी भी खेल के लिए हम इनके पास आए हैं तो ज़रूर इन्होंने हमारी मदद की है अब देखो आप देख रहे हैं खुद भी सरपंच साहब सरपंच साहब हमारा जो प्लेग्राउंड है उसमें आप हमारी मदद करिए और बच्चों के लिए जो भी साधन आप उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराइए शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे अपन सब लोग जी सब लोगों को सहयोग ले हाँ। देखो शांति व्यवस्था पहली बात है कि गांव में शांति व्यवस्था है जी जी बाप बनी रहनी चाहिए जी जी कारण बाण बेटी है और है वह कई बार फालतू को दिया कोई भी जो वातावरण खराब हुआ ना जी जी सब डर है जी जी सबकी जिम्मेदारी आप है जी हाँ इसलिए कोई भी जगह बात है ना बैठ कोई भी निकल सी समाधान है ना वो बच्चा को भी मानदान है और शांति व्यवस्था को भी कोई राजनीति कोई नहीं इश्यू नहीं बनाना चाहिए कोई ने भी जी जी ना बच्चा ने बनाना चाहे ना कोई और लोगों ने बनाना चाहे सब लोगों ने मिल बैठ रहा ना हाँ जी कोई समाधान की है ना सरपंच साहब हम भी कहते हैं आर्गुमेंट एंड डिस्कशन दोनों चीजें हैं पर आर्गुमेंट ना होकर के डिस्कशन कर लें आपस में बैठ करके लग रहा लगे हुए हैं पर कोई ना कोई समाधान है ना जी 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 वो शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कारण इससे अपना गाँव है ना बदनाम होता है जी जी और अपने नया गाँव नया अभी पंचायत बनी है 5 साल ही हुए जी जी इसलिए अपने को सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हाँ हाँ अपने को जो हकीकत है ना उससे दूर नहीं रहना नहीं रहना चाहिए सब लोग एक दूसरे मिलजुल के अपनी जो परंपराएं हैं जी जी उनको बरकरार रखना है कि अपने जो है ना यहाँ अपना पूरे झुंझुनू जिले में पुजारी गणित ऐसा गांव नहीं है जी जी यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है प्रधान जी पहले आए थे तो मैंने उनको एक बात बताई वो बहुत खुश हुए जी जी मैंने कहा पूरे झुंझुनू जिले में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ जाट और एका एक ही जो कम्बिनेशन नहीं कम्बिनेशन नहीं एक ही सड़ा है जी 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 एक एक पॉइंट पे जलाते हैं ये कितनी बड़ी है हाँ लेकिन अब आजकल लोग देखो क्या है कि ये जो जाता है ना अपने पुराने आदमी थे वो बहुत ही है ना जान से है ना अपन एक ही मानते थे अपने जो छान होती है छान पल्ले होती थी जी 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 वो मंडी रेट थी अपने मंडी रेट थी तो ये वातावरण तो जो लोग है ना जो राजनीतिक स्वार्थ कोई भी करे चाहे मैं करूँ तो मैं भी गलत हूँ और दूसरा करे तो वो भी गलत है जी ये मामला है ना सब बच्चे सब अपने हैं बच्चे सब अपने हैं मतलब अपने हैं उनका समाधान कोई ना कोई जैसे जैसे सरपंच जी आपने जो मतलब गाँव ग्राम पंचायत का जो गवर्नमेंट स्कूल है 12th तक का उसके पास भी बच्चों के पास कोई ग्राउंड नहीं है खेलने तो मेरे ख्याल से ये अटैच स्कूल के नाम से ही कर दें बताता हूँ वो चीज देखो झूठ से आधारित मैं कोई बात नहीं जी जी हाँ ये है सबसे बड़ी अपने जो
प्ले ग्राउंड है उसमें क्या था दिक्कत? पहले ये बात भी आई थी कि कई लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से है ना कंकड़िया रोड में ले गए। जी जी, ये मैंने फिर वो व्हाट्सएप पे किसी ने डाला था तो मैंने देखा था। हाँ। देखो हकीकत में जो सत्य है ना सत्य रहेगी। जी, ये जो जोड़ है ये मंदिर माफी की जमीन है, इसमें अलॉट नहीं हो सकती। मैं पहले बता दूं। जी जी, और कोई भी नहीं बना सकता। जी, इसमें कोई नहीं बना सकता वैसे सरकार के पैसे से, कारण कि अपने अलॉट नहीं होगी। जी हाँ जी, अलॉट नहीं होगी तो रिकवरी होगी। कोई बना दिया तो उसकी रिकवरी होगी। हाँ जी हाँ जी, तो रिकवरी कौन देगा? मान लिया 10 लाख का ग्राउंड बना, वापिस कौन देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। तो अपने को क्या है, इसका जनसहयोग से ही है ना इसको बना सकते हैं हम। इसको जनसहयोग से अपने कोई तरीका निकाल के सब लोगों को बैठा के वही निकलेगा कंकड़िया रोड में, क्योंकि जो पहले यहाँ नेकीराम जी थे। जी हाँ, एचएम थे अपने। जी हाँ जी, उन्होंने उनका उन्होंने बार बार हमें से निवेदन किया था कि अब यहाँ तो बनेगा नहीं। जी हाँ, तो आप है ना इसको कंकड़िया रोड के अंदर बना दो, वो अपने अंडर में है। हाँ जी, कि बच्चों को मिलेगा। ठीक है, ये